मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी शालिमा, उम्मीद है कि खुश होंगे जहाँ भी होंगे। तो फिर अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को खुश रख रहे होंगे। तो हम सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है, और आप सब पता ही है कि आप क्या सुन रहे हैं और आप किसके चैनल पे सुन रहे हैं। तो मेरा चैनल का नाम शालिमा एक खूबसूरत कहानी। तो आई होप आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए प्रीवियस पार्ट की तरफ चलते हैं। और प्रीवियस पार्ट में कुछ आपने ऐसा देखा कि हमारे अभियांशी और रैना जो होते हैं वो आते हैं, और जो हमारे स्नेह होती हैं उनकी देखभाल करते हैं। रैना जो होती हैं वो रुक जाती हैं, अभियांशी जो होती हैं वो ऑफिस चली जाती हैं। ऑफिस में बातें बन रही होती हैं, और ऑफिस में बातें बनते हुए कुछ कानों तक बातें पहुंचते हुए देन अब आगे तो रैना की जो सेक्रेटरी होती हैं, सॉरी हमारी जो अभियांशी की जो पर्सनल सिक्योरिटी होती हैं वो नहीं आई होती हैं ऑफिस, और उसने लीव एप्लीकेशन भेजा होता है। तो रैना पूछती है कि अगर ये सही रीज़न है, सॉरी अभियांशी सही रीज़न है, तो उसके सारे मेडिकल खर्चे कंपनी उठाएगी और ये अनाउंस कर दो। तो सब खुश भी हो जाते हैं, और कुछ लोग बातें भी बनाते हैं कि बड़े लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं ऐसा वैसा। कुछ लोग उनके रिलेशनशिप को भी जज कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे ना हमारी जो अभियांची होती है उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है। तो इधर आते हैं दूसरे साइड स्टोरी के, जो हमारी स्नेहा होती हैं इतना केयर देख रही होती हैं, रहना कर रही होती है, उनको प्रॉपर नाश्ता कराना, दवाई देना, उनका अच्छे से मतलब पूरी तरह से ध्यान रख रही होती हैं। डॉक्टर बोलता है कि अब आप डिस्चार्ज करवा सकते हो। तो वो डिस्चार्ज के मैटर में बोलती हैं कि डॉक्टर मुझे अभियांशी से पूछना पड़ेगा कि हम कब जा रहे हैं, तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ देन मैं डिस्चार्ज पेपर बनवा लेती हूँ। तो कहते हैं ठीक है। तो वो बाहर जाती हैं और वो अवयांशी को फ़ोन लगाती हैं, कहती हैं कि अभी, तो कहती हैं हाँ बोलो, उठाती हैं उधर से कॉल। तो हमारी अवयांशी तो कहती हैं कि क्या आप फ्री हैं, तो कहती हैं कि हाँ हाँ फ्री हूँ बोलो। तो कहती हैं कि स्नेहा को छुट्टी मिल चुकी है और क्या आप आओगे तब हम डिस्चार्ज पेपर बनवाएं या मैं बनवा के घर लेके जाऊं। तो कहती हैं कि घर, तो कहती हैं कि हाँ अगर इनके घर पे छोड़ा दिन को वही सब थॉट आएंगे और फिर से क्या पता इनके दिमाग में, और हम सबके साथ रहेंगे तो शायद अच्छा लगेगा, फिर ऐसा कुछ ना है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो कहते हैं कि ठीक है, बट तो कहते हैं नहीं ठीक कुछ नहीं है लेके जाओ। तो वो जो रहना होती हैं वो अपने घर डिस्चार्ज करवाती हैं और लेके चली जाती हैं उनको। और डिस्चार्ज करवाने के बाद जब लेके जा रही होती हैं तो स्नेहा ये सारी सब चीज़ें उनको ना थोड़ा सा अजीब तो नहीं कह सकते मगर अच्छा लग रहा होता है। और वो अब उनको भाभी कहना भी बंद कर चुकी होती हैं, और उनके घर पहुँचते उनकी मम्मी से उनके डैड से मिलती हैं। उनकी मम और डैड पूछते हैं कि कैसे हो, ठीक हो, तो वो कहते हैं हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, स्नेहा जवाब देती है। और जय और कृष्ण दूर से ही खड़े होकर देख रहे होते हैं। फिर कहते हैं माँ मैं ये जो गेस्ट रूम है ना उसमें श्रेया का सामान रखवा दीजिए, कुछ दिन ये हमारे साथ ही रहेंगे। तो कहती है हमारे श्रेया की क्यों, मैं अपने घर जाऊंगी, रहना मैं
तो पहली बार रहना उनके मुँह के मुँह से सुना सुनने के बाद हमारी रहने को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो घर वालों के सामने होते हैं तो उस बात को वो ज़्यादा नोट नहीं करती हैं। फिर वो धीरे धीरे जैसे कि एक एक दिन बीतने लगते हैं, लाइफ जो होती है नॉर्मल रूटीन पे आने लगती है और इधर स्नेहा भी ठीक होने लगी होती हैं। सब कुछ ठीक होने लगा होता है, मगर इस दौरान इस बीच किसी के मन में कोई चीज़ खटकने लगी होती है वो होती है हमारी अव्यांशी। अव्यांशी के मन में जो स्नेहा का बिहेवियर होता है वो खटकने लगा होता है, और जब खटकने लगा होता है तो वो सोचती हैं कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमें मिलवाने के लिए उसने ही इतना सब कुछ किया तो शायद मैं गलत सोच रही हूँ। वो अपने सोच को किनारे करते हुए फिर वो मिलने जाती है रहना से उसके घर। तो जाती है तो ऐसा होता है कि वो हमारे जो रहना होती हैं वो कॉफ़ी लेके आई होती है और वो कॉफ़ी दे रही होती हैं हमारी स्नेहा को, और वो कॉफ़ी मग उनके हाथ से, मतलब उनके हाथ को टच करते हुए कॉफ़ी मग ले रही होती हैं। वहाँ पे दरवाजे पे खड़े अव्यांशी ये देख रही होती है, और अचानक से स्नेहा का इतना बदला बिहेवियर उसको समझ नहीं आ रहा होता है। तो कहती है, फिर उधर से आती है और उस बात को नोट करते हुए फिर थोड़ी सी तो गुस्से में होती है कि स्नेहा कैसी है तू अभी। तो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तब तक आंटी आ जाती हैं और कहती हैं कि बेटा इतने दिनों के बाद। आंटी थोड़ा सा बिजी थी और ऑफिस के काम भी थे तो इसलिए मैं अभी आज मैं फ्री हूँ तो मैं मिलने आ गई हूँ। तो कहती हैं कि ओके बेटा मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। तो कहती हैं जी आंटी। तो कहती हैं आंटी रैना के कमरे में भिजवा दीजिएगा, रैना से मुझे कुछ बात करनी है। वो लेके रैना का हाथ पकड़ के जाती है, बट ये चीज़ हमारी जो स्नेहा होती है उनको अच्छी नहीं लगती। कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती में दरार आने की वजह शायद रहना होती है। क्या लगता है आप सबको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या स्नेहा का ऐसा करना सही है या कोई को अचानक कोई पसंद करने लगता है तो क्या इसमें कुछ गलत है, तो बताना ज़रूर। तो कहती हैं कि ये क्या कर रही थी तुम, ये ऐसे पूछती हैं। हाँ तो कहते अभी मैं कॉफ़ी दे रही थी तो तुम्हें दिख नहीं रहा था कैसे कॉफ़ी। फिर वो रिलैक्स होती है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कॉफ़ी तुम ट्रे में भी दे सकती थी। तो क्योंकि वो कुछ कंफर्म नहीं होती हैं कुछ, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से अपने दोस्त से बहुत प्यार कर रही होती है स्नेहा से, और स्नेहा क्या कर रही होती है शायद उसको खुद पता नहीं होता। सॉरी एक्चुअली मेरा गला ख़राब हो रहा है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गले में, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो वो फिर इधर कहते हैं कि तुम ट्रेन में भी तो कॉफ़ी दे सकती थी ना। तो कहती हैं कि हाँ बट एक ही इंसान के लिए देना था, मैं तो हाथ में ही ले आई। ओके तो तुम घर वालों को कब बता रही हो कब, और मेरे घर कब आ रही हो शिफ्ट होने। तो कहती हैं कि बता देंगे थोड़ा सा समय तो मिलने दो, चीज़ ठीक तो होने दो। तो कहती हैं कि कब तक ये बता दो रहना, तुम्हें नहीं चलना है या तुम्हें कोई इशू है। तो कहती कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं है अभी, बट अभी कुछ सब कुछ ठीक नहीं है पूरी तरह से, डैड अभी ठीक नहीं हुए हैं और मैं ऐसे बोलूँगी तो मेरे घर वालों को क्या लगेगा कि मैं। तो कहती हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें घर पे आके रहना पड़ेगा, और ये तुम कैसे करोगी मुझे नहीं पता। और ये बोल के वो नीचे आ जाती हैं। तब तक कहती हैं बेटा मैं कॉफ़ी ला ही रही थी कि कोई बात नहीं आंटी आप यहीं दे दो, मैं यहीं पी लूँगी। और स्नेहा और वो दोनों काउच पर बैठते हैं और कहते हैं कि
बैठ के कहती हैं कि स्नेहा तू ठीक है ना, तो कहती है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कहती कि नहीं, वो बहुत रूडली आंसर कर रही है होती है अव्यांशी को। तो कहती क्या हुआ, तू इतना गुस्सा क्यों है, मैंने कुछ कर दिया क्या? कहती नहीं 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 कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। और कह रही कि तो तू घर कब जा रही है? जो रहना होती है अव्यांशी होती है वो जानबूझ पूछे, क्योंकि अब ना वो स्नेहा की चीज़ें ना उनको खटकने लगी होती हैं, तो इस वजह से। तो वो कह दें कि बेहद जल्दी जा चली जाऊंगी, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या अभियांशी? तो कहते नहीं बस ऐसे ही। फ्रेंड्स, मैं ये कहती हूँ कि कोई भी ऐसे अपनी दोस्ती ना ख़राब करे, क्योंकि ऐसी जब दोस्ती ख़राब होती है ना, तो शायद वक्त, इंसान और सारी चीज़ें ऐसे बिगड़ती हैं कि फिर दोबारा सही नहीं हो पाती। बट ख़राब होने के लिए बस कुछ सेकेंड, कुछ चंद सेकेंड, कुछ दिन ही लगते हैं। अब अवंशी और स्नेहा के बीच जो फ्रेंडशिप होती है वो ख़राब होने लगी होती है, और वो कहीं ना कहीं बस हमारे रहना को भी मान सकते हैं, या रहना की कोई गलती नहीं है, ये भी कह सकते हैं हम कि रहना ने एक अच्छे फ्रेंड का फ़र्ज़ निभाया, उनका ध्यान रखा, उसका केयर किया, तो ऑब्वियस सी बात है। फिर ठीक है, इसके आगे का सेंटेंस आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे का सेंटेंस बोलूँगी तो शायद अच्छा ना लगे। तो इसमें ये होता है कि अवंशी चली जाती है कॉफ़ी पी के, और रहना से बात नहीं करती है, तो उसके फेस पे एक स्माइल होती है स्नेहा के, और वो खुश होती है। तो फिर वो जाती है उसके रूम में स्नेहा, और दिखती है कि रहना रो रही है। तो रहना पूछती हैं कि क्या हुआ, तो कहती हैं कि कुछ नहीं। तो कहती हैं कि रहना तुम मुझे बता सकती हो, हम फ्रेंड हैं, ठीक है? तो कहती हैं कि नहीं यार स्नेहा, आपको पता है ये घर पे कंडीशंस अच्छी नहीं है, और अभी को पता नहीं क्या ही हो गया है, अचानक से कह रहे हैं कि घर पे सबको बता दो और चलो घर। तो मैं कैसे जा सकती हूँ ऐसे, अपने घर वालों को छोड़ गया अचानक से, होता है कि कहती हैं कि हाँ सही बात है, तुम कैसे जा सकती हो? और ये बात तो अभी को समझना पड़ेगा, बिना समझो ठीक है, मैं समझाऊंगी ना अभियांशी को, टेंशन मत लो। तो कहते कि कैसे ना लो टेंशन, अब एक तरफ फैमिली है, एक तरफ अभी है, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ सब कुछ? तो कहते हैं कि ठीक है, इतना टेंशन क्यों ले रही हो, सब ठीक हो जाएगा ना, वक्त तो दो। कहते हैं कि जब भी मैं वक्त लेती हूँ ना, चीज़ें मेरी ख़राब हो जाती हैं, मैं ये सोचती हूँ कि अभी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बट वो चीज़ ख़राब होने लगती है। अभी पता नहीं अभी को क्या हो क्या है, और मैं घर वालों से भी क्या बोलूँ, कंडीशंस अच्छे नहीं है, और मम्मी को क्या बताऊँगी? चलो ठीक है, अब ऐसा कुछ सही होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं बोलती शायद। तो कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। तो कहते हैं कि या तो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास आइडिया ये था कि तुम वही कंपनी के टूर के नाम पे चले जाओ, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। वो इसलिए आइडिया दे रही होती है उन जो रहना की नज़रों में अच्छे बनने के लिए। और वो कहती कि हाँ ठीक है, मैं सोचती हूँ इस मैटर में। तो कहती है ठीक है, तो वो वहाँ से चली जाती है, और कहती है कि क्या ज़रूरत थी आइडिया देने की, हाँ दिमाग ख़राब है, वो चली जाएगी तो फिर मेरा, ऐसे बोलते हुए अवंशी रैना जो होती है, सॉरी स्नेहा होती है, वो नीचे की तरफ आ जाती है। कहती हैं उनकी माम पूछती हैं कि क्या हुआ, रैना नीचे नहीं आ रही क्या? तो कहती है कि नहीं आंटी आ रही, आपने कुछ काम कर रही थी तो वो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग गया, तो हाँ बस यही था। तो कहती हैं कि ओके,
ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा नाश्ता कर लो। वो बैठ जाती है नाश्ते पे और सोचने लगती है कि वो कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करेगी। और फिर देखते हैं, फ्रेंड्स आज थोड़ा सा शॉर्ट है, काम चला लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए मैं इतने मिनट के ही, मतलब 15 मिनट के ही वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। बाय।